दोस्तों, यह है 7वीं सदी में बसा महाराष्ट्र का लातूर जिला, जिसे मराठवाड़ा के सबसे बड़े जिलों में गिना जाता है। दोस्तों, ये जिला महाराष्ट्र के दक्षिण पूर्व में मौजूद है, जिसका औद्योगिक विकास तो ज्यादा नहीं हो पाया, लेकिन फिर भी ये जिला एजुकेशन के फील्ड में क्रांति माना जाता है। जिस प्रकार बिहार में पटना कोचिंग सेंटर्स का हब माना जाता है, वैसे ही महाराष्ट्र का लातूर जिला अपने कोचिंग संस्थानों की वजह से फेमस है। जैसा कि मैंने बताया कि शहर का अस्तित्व 7वीं शताब्दी से शुरू होता है, उसी काल में यहाँ पर ढेर सारी चीजें घटित हुई। इस समय अवधि के दौरान यहाँ राष्ट्रकूट डायनेस्टी का राज हुआ करता था। इसी डायनेस्टी के राजा अमोघवर्ष ने इस शहर का विकास किया था, लेकिन इसके बाद सातवाहन, चालुक्य, देवगिरी, दिल्ली सल्तनत और भी कई शासकों का राज रहा। इसी दौरान इस शहर में ढेर सारे हिस्टोरिक मॉन्यूमेंट्स का निर्माण हुआ, जो टूरिज्म के लिहाज से आज बहुत महत्वपूर्ण जगह बन चुके हैं। दोस्तों, शहरी क्षेत्र की बात करें तो लातूर 32 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्रफल में फैला हुआ है, जो क्षेत्रफल के मामले में महाराष्ट्र का 16वां लार्जेस्ट सिटी है। जब 2011 में भारत की जनगणना की गई, उस समय इस शहर में 4 लाख के करीब लोग रहते थे, लेकिन आज के समय यह जनसंख्या काफी बढ़ चुकी है, लेकिन इसके ऑफिशियल आंकड़े अभी तक मौजूद नहीं है। जैसा कि मैंने पहले भी बताया था कि लातूर जिला अपने शिक्षा के क्षेत्र में क्रांति की वजह से जाना जाता है। यहाँ की आबादी में 97% लोग पढ़े लिखे हैं। यहाँ की आबादी में महिला पुरुष अनुपात की बात की जाए तो 1000 पुरुषों पर 923 महिलाओं की आबादी पाई जाती है। महाराष्ट्र का जिला होने की वजह से यहाँ की लगभग 64% आबादी मराठी में बात करती है। 18% उर्दू, 9% हिंदी बोलने वाले लोगों में भी मराठी भाषा का इन्फ्लुएंस देखने को मिलता है। यहाँ की आबादी में काफी ज्यादा रिलीजियस डाइवर्सिटी देखने को मिलती है। यहाँ पर 70% हिंदू, 24% मुस्लिम और 4% से ज्यादा बुद्धिस्ट की आबादी जनसंख्या के बड़े हिस्से का निर्माण करती है। लातूर में बिजनेसेस की बात करें तो पूरे जिले में लोग विभिन्न तरह के काम करते हैं। लातूर शहर में कई इंडस्ट्रियल एरिया भी मौजूद है, जिनमें थोड़ी बहुत डेवलपमेंट 90s के दशक में देखने को मिली थी, लेकिन ज्यादातर आबादी खेती बाड़ी से ही अपना जीवन यापन करती है। यहाँ पर जवार, दालें, अंगूर, अनार और हल्दी जैसी फसलों की खेती की जाती है। लातूर में कई इंफ्रास्ट्रक्चर के क्षेत्र में भी काम किए जा रहे हैं। लातूर मुंबई एक्सप्रेसवे इस क्षेत्र में मुख्य इन्वेस्टमेंट है, जो पूरे जिले की इकोनॉमी को मुंबई जैसे महानगर से जोड़ने में हेल्प करेगा। इससे पूरे जिले की कनेक्टिविटी और ट्रेड में काफी इजाफा देखने को मिल सकता है। इस शहर के खाने भी कई शहरों से अलग हैं। यहाँ पर लातूरी भेल बहुत पसंद की जाती है, जिसमें कई सारी चीजों का मिक्सचर होता है। इसके अलावा तंबड़ा रस्सा भी यहाँ बहुत ज्यादा फेमस है। वैसे तो ये आसपास के शहरों में भी बनता है, लेकिन यहाँ इसमें कुछ अलग स्पाइसेस डाले जाते हैं, जिससे एक अलग ही लाल रंग की स्पाइसी करी बन जाती है। इसे मटन से बनाया जाता है, जिसे महाराष्ट्रियन भाकरी के साथ पेश किया जाता है। मीठे में यहाँ की बसुंदी बहुत फेमस है, जिसमें दूध को उबाल कर थिक कर लिया जाता है। उसके बाद इसमें कार्डमम, जाफरान और कई टाइप के नट्स डाले जाते हैं। ये कुछ नॉर्थ इंडिया की मलाई रबड़ी जैसा मिलता जुलता है, पर महाराष्ट्रियन टेस्ट से इसे थोड़ा अलग बनाता है। महाराष्ट्र के इसी टेस्ट का लुत्फ लेने आपको इस शहर में जाना होगा, जिसके लिए आप भारत के किसी भी कोने से हवाई मार्ग से काफी जल्दी आ सकते हैं। लातूर का खुद का कोई एयरपोर्ट नहीं है, लेकिन हैदराबाद और पुणे एयरपोर्ट इसके करीबी एयरपोर्ट हैं, जिनका इस्तेमाल कर आप यहां आसानी से पहुंच सकते हैं। एयरपोर्ट पर उतरने के बाद आपको बाय रोड इस शहर तक आना होगा। यहां पर लातूर मुंबई एक्सप्रेसवे बनकर तैयार होने वाला है, जो मुंबई से सोलापुर, नांदेड़ होते हुए लातूर तक आता है। इसके अलावा इस शहर में नेशनल हाईवे 361 भी मौजूद है। रोड से आने में कंफर्टेबल नहीं है या फिर ट्रैफिक में नहीं फंसना चाहते तो रेल मार्ग से भी आप लातूर रेलवे स्टेशन पहुंच सकते हैं। यहां मुंबई, पुणे, हैदराबाद से सीधी ट्रेन्स मिल जाती हैं। आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, ऐसे ही वीडियोस और चाहते हो तो कमेंट में अपने शहर का नाम लिखकर जरूर बताएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, स्टे ट्यून्ड विद एक्सप्लोर YRS।